दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रॉपर्टी होने वाली है 100 गज में बनी हुई, जैसे कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं। दो यूनिट्स अवेलेबल है हमारे पास में, और यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ये गोविंदपुरा पर लोकेटेड है, जो कि राधा गोविंद जू सेंटर है, वहाँ से बहुत ही पास में होने वाला है। बात की जाए अगर इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन यहाँ पर होने वाला है 15x60 और 100 गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो प्राइस होने वाली है इसकी 60 लाख रुपये। जी हाँ, और यहीं से मैं आपको दिखा के सीधे की तरफ अंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ कि किस तरीके का अंदर से बना हुआ है। आपका सच में दिल खुश होने वाला है, क्योंकि बहुत ही प्यारा हिस्सा ये बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं विजिट करना तो कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएंगे बिल्डर सेल्स एग्जीक्यूटिव के, वहाँ जाकर के आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी ले सकते हैं। 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है। वैसे सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कॉल कर सकते हैं, विजिट के लिए भी कॉल कर सकते हैं। बाहर से आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाता है आपको वाटर टैंक प्रोविजन, जो कि 6 से 7 हज़ार कैपेसिटी का आपको दिया गया है। यहीं से होते हुए हम लोग चलेंगे इस खूबसूरत से प्यारे से विला के अंदर, फुली डुप्लेक्स के अंदर। बाहर की तरफ देख लीजिए कितनी बड़ी सी विंडो आपको मिल रही है, विंडो का साइज काफ़ी अच्छा दिया गया है, जहाँ से जो है प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट आपका होता रहेगा। ये जो मकान है वेस्ट फेसिंग का मकान होने वाला है। यहीं से होते हुए हम लोग आगे हैं इस खूबसूरत से प्यारे से हॉल के अंदर। हॉल की अगर मैं साइज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो हॉल का साइज़ होने वाला है यहाँ पर जो है 18x10x18 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहीं पे सामने की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ से, तो फुल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है। साथ ही सीलिंग फैन का आपका ऑप्शन अवेलेबल है, LED कॉब्स यहाँ पर आपको लगा करके दिए गए हैं। स्टेयर्स के नीचे का पार्टीशन देख लीजिए, कितना प्यारा सा पार्टीशन यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे का मिल जाता है, जो कि जहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, जो कि LED का डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही नीचे की तरफ मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखिए पार्टीशन वगैरह बना करके दिया गया है, जो भी आपका सामान वगैरह हो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। स्टेयर्स आपको अंदर से दी गई है। हॉल का साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ, 18x18 का साइज़ यहाँ पर हॉल का आपको मिल जाता है, काफ़ी प्यारा साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के आ गया हूँ उसी किचन की ओर, और किचन के साइज़ की बात करूँ तो 8x10 का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। और देखिए एल शेप में किचन आपको बना करके दी गई है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रिज रखने का स्पेस मिल जाता है, जो कि इस तरफ आपको दिया गया है, आप इजीली अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं उस साइड में। ऊपर की साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स आपको मिल जाती है, नीचे की साइड में भी प्रॉपर कैबिनेट्स आपको दी गई है। सामने की तरफ बड़ी सी विंडो, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये लोकेटेड है अपने जो है मंगल विहार के नाम से कॉलोनी है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, जो कि अपने गोविंदपुरा के पास में होने वाला है। जो गोविंदपुरा है वहाँ से बहुत ही नियरेस्ट होने वाला है। आप देख चुके हैं यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे का जो पार्टीशन है, बहुत ही प्यारा सा पार्टीशन आपको करके दिया गया है। इस साइड में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वॉश बेसिन का एरिया, इजिली हैंड वॉश वगैरह आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आ जाता है इसके ये एक और स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो भी कनेक्शंस वगैरह हैं वो आपको अंदर से दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई सामान रखना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। मैं आपको दिखा चुका हूँ उसका हॉल, इसका किचन, अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका कॉमन बाथरूम, और दिखा दूंगा इसका जो है पीछे का रूम। तो यहाँ से आ जाइए, हम लोग चलते हैं इसे कॉमन बाथरूम की ओर। और बाथरूम का साइज़ मैं आपको बता दूँ, बाथरूम का साइज़ होने वाला है यहाँ पर 5x8 का, और वहाँ पर वेस्टर्न शीट मिल जाती है। इस साइड में आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर जो है सैनिटरी का वर्क करके दिया गया है। यहीं से हम लोग आ गए हैं इसके बेडरूम की ओर, जो कि इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के साइज़ की बात करूं 14x11 का साइज़ बेडरूम का मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहां पर फुल सीलिंग का डिज़ाइन आपको दिया गया है, साथ ही इस तरफ आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, जहां पर आपका जो भी सामान वगैरह हो ईजिली आप रख सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे बड़ा सा विंडो का प्रोविज़न आपको प्रोवाइड कराया गया है, जहाँ पर आप विंडो से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अब यहाँ पर जो भी वर्क किया गया है, बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा वर्क यहाँ पर आपको करके दिया गया है। ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3 फीट का साइज़ यहाँ पर बैकयार्ड के एरिया का मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर टैप लगा करके दिया गया है, वॉशिंग एरिया की तरह इस जगह को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेलिंग की, तो SS की यानी जिंदल की रेलिंग यहाँ पर आपको यूज़ में करके दी गई है, जो कि कंपनी वाइज काफ़ी अच्छी है, ब्रांडेड कंपनी है। बात करूँ अगर स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स पर आपको जो है यहाँ पर ग्रेनाइट का वर्क करके दिया गया है। और यहीं से होते हुए मैं चल रहा हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर, तो हम लोग आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के अगर हॉल के साइज़ की मैं बात करूं, तो हॉल का जो साइज़ यहां पर आपको मिलने वाला है 9x18 का साइज़ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे फुल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा है, साथ ही LED कॉब्स यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है, और प्यारा सा वर्क यहाँ पर हॉल में भी आपको करके दिया गया है। अब देखिए आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा,
जो कि बहुत ही सच में बहुत प्यारा वर्क यहाँ पर आपको हॉल में भी मिल जाता है। यहीं से होते हुए मैं आपको उसके बैक साइड के रूम की तरफ लेकर के चलूँगा और दिखाऊंगा बैक साइड में कैसा रूम है। पहले यहाँ पर आपको देख लीजिए कॉमन प्लस अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है जो कि इस साइड में आपको अवेलेबल है। साइज़ एज इट इज़ जैसे नीचे की साइड में आपको दिया गया वैसा ही साइज़ है। सामने की साइड में आपको मिल जाता है ये वेंटिलेशन का स्पेस, वहाँ पर आपको इंडियन शीट बना करके दी गई है। चाहे तो कॉमन एरिया की तरह या फिर आप चाहें तो है अटैच बाथरूम की तरह इस बाथरूम को यूज़ ले सकते हैं। अब हम लोग आ गए इसके सेकंड बेडरूम में जो कि 14x11 के साइज़ में है। फुल सीलिंग यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, देखिए कितना प्यारा सा फुल सीलिंग का डिज़ाइन है। और प्राइस मैं आपको इसका बता चुका हूँ, प्राइस होने वाला है इसका 60 लाख रुपये, जो कि आपके मंगलम विहार के नाम से कॉलोनी है वहाँ पर ये लोकेटेड है, कालवाड़ रोड पर लोकेटेड है और गोविंदपुरा के बहुत ही पास में होने वाला है। यहाँ सामने की साइड में आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह हो इजीली आप रख सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे ये आपको जो है कॉमन प्लस अटैच बाथरूम का एक एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये डोर्स की क्वालिटी बहुत ही प्यारी प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है। इस साइड में बड़ी सी विंडो और पीछे की साइड में यूटिलिटी स्पेस आपको दिया गया है। यहीं से होते हुए हम लोग चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम की ओर और मैं आपको दिखाऊंगा इसका थर्ड बेडरूम किस तरीके का मिल रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं थर्ड बेडरूम, लेकिन हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वहाँ पर हर रोज़ हम नक्शे से रिलेवेंट वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और अपना प्यार वहाँ पर भी बरसाइएगा। ये हम लोग आगे इसके थर्ड बेडरूम की ओर, बेडरूम का साइज़ यहाँ पर मिलने वाला है 14x10 का। ऊपर की तरफ देखेंगे फुल सीलिंग का डिज़ाइन है, साथ ही AC का सेपरेट पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है ये आपको वार्डरोब का स्पेस। और सबसे प्यारी चीज़ जो यहाँ पर लग रही है वो लग रही है इसकी विंडो। विंडो का साइज़ बहुत ही प्यारा सा आपको दिया गया है, फुल सीलिंग का डिज़ाइन आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही LED कॉब्स यहाँ पर आपको बड़े बड़े लगा करके दिए गए हैं, मगर दिन के समय में आपको कोई भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर मतलब पूरा वेंटिलेशन है और प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बाहर की साइड में आपको बालकनी दी गई है जो कि इस रूम से बाहर निकलते ही आपको बालकनी प्रोवाइड करा दी जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया एक 100 गज में बना हुआ प्यारा सा एक फुली डुप्लेक्स, कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। परचेज करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं बिल्डर के, तो वहाँ जाकर के आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी ले सकते हैं। 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है, JD अप्रूव्ड है, 60 लाख रुपये इसका होने वाला है प्राइस। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।